हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूं जिसकी डिमांड की थी बहुत सारे लोगों ने। टॉपिक है क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट कैसे करते हैं। जानने से पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल जिसका नाम है फील्ड वर्क एक्सपर्ट, और हाँ दोस्तों बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए दोस्तों, ये एक रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड है जिसकी डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन दी गई है। लेंथ अलग दी गई है, हाइट अलग दी गई है, विड्थ अलग दी गई है। इसकी लेंथ दी गई है दोस्तों 3 मीटर, विड्थ दी गई है आपकी 4 मीटर, और हाइट दी गई है इसकी 5 मीटर। क्लियर? इसका आपको वॉल्यूम निकालना है क्यूबिक मीटर में। इतना भी आसान नहीं है दोस्तों। अगर आपको आसान लग रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताएं खुद से। देखिए दोस्तों, लेंथ आपकी 3 मीटर दी थी, विड्थ आपकी 4 मीटर दी थी, हाइट आपकी 5 मीटर दी थी। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं किसी भी रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड का? तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ क्या थी दोस्तों आपकी 3, विड्थ कितनी थी 4, हाइट कितनी थी 5। इत्तेफाक की बात यह है कि ये तीनों की तीनों डायमेंशन यहां पर मीटर में दी गई है। अगर ये डिफरेंट डायमेंशन दी गई होती तो आपको ये सारा एक यूनिट में बनाना होता। क्लियर दोस्तों? फिर आपको कन्वर्ट करना होता क्यूबिक मीटर में। तो यहां पे क्या पहले से ही सारी डायमेंशन मीटर में दी गई है तो आपको इजी है थोड़ा। देखिए दोस्तों, आप ये तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वॉल्यूम निकल कर आएगा 60 क्यूबिक मीटर। क्लियर दोस्तों? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, एक वाटर टैंक है जिसकी लेंथ दी गई है 1.25 मीटर, विड्थ दी गई है 3.25 मीटर, ओवरऑल हाइट है 10.75 मीटर। इसमें ये वाटर भरा हुआ है, ऊपर से एम्प्टी कितना है 3.285 मीटर। इसका वॉल्यूम निकाल कर बताओ दोस्तों। देखिए, आपकी हेल्प कर देता हूं। आपको केवल और केवल वॉल्यूम निकालना है जितना पानी इसमें भरा है उतने का। कितने क्यूबिक मीटर में पानी भरा हुआ है अभी प्रेजेंट कंडीशन में? देखिए दोस्तों, कैसे निकालोगे? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ आपको दी गई है 1.25 मीटर, विड्थ आपको दी गई है 3.25 मीटर, हाइट आपको निकालनी पड़ेगी, ओवरऑल हाइट दी थी 10.75 मीटर, एम्प्टी कितना है ये 3.285 मीटर, मतलब खाली कितना है। तो आपको एक्चुअल हाइट निकालनी होगी। यहां से 10.75 में से माइनस करोगे आप 3.25, तो आपकी एक्चुअल हाइट निकल कर आएगी 7.465 मीटर। क्लियर? तो यहां से आप तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लाई करें, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। यहां से आपका जो भी आंसर आए वो मुझे आप कमेंट में लिखकर सेंड करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।